अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मुहर्रम में बनने वाले स्पेशल एप्पल का शरबत, जिसे बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। मैं 2 लीटर का बना रही हूँ। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कच्चे दूध का नहीं बनाना है। इसको पहले बॉईल करके गर्म कर ले और पूरी तरह से इसको ठंडा कर ले। मैंने इसको फ्रीज में ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 किलो शक्कर ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम शक्कर को मैंने पीस लिया है ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए। आप चाहे तो बिना पीसे भी शक्कर को ऐड कर सकते हैं। अब शक्कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है शरबत में। अगर आपके पास एप्पल का एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको दिख पाएगी। तो कलर मिक्स करने के बाद अब हम एप्पलों को छील लेते हैं। सारे एप्पलों को छीलकर नहीं रखना है, वरना एप्पल काले पड़ जाते हैं। एक एक छीलेंगे और इसको डायरेक्ट हमें दूध में ग्रेट करते जाना है। ये देखिए, इसको अलग से ग्रेट नहीं करना है वरना एप्पल काले पड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट इसी तरह से दूध में हम इसको ग्रेट कर लेंगे। 3 एप्पल का मैंने यूज़ किया है इसमें। तो ये देखिए, एप्पल को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। काजू, बादाम और पिस्ते को कट कर लिया है। आप चाहे तो ऐड करें, वरना बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसको बना सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। अगर आप पानी ऐड कर रहे हैं या बर्फ़ ऐड कर रहे हैं तो शरबत को थोड़ा मीठा ज़्यादा रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाती है ये फीका होता जाता है, इसलिए शक्कर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शरबत बनकर तैयार हुआ है। इसको हम ग्लास में डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही इजी और झटपट बनकर ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है पीने में। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ये हमारा मज़ेदार सा एप्पल का शरबत बनकर तैयार है। इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेंगे। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।